गीत के बड़ा बढ़िया संकेत दी धवन। फिलहाल में हाल हाल में एक गीत निकले, कोनो भौजाई अपने देवर से कहे खेत परती रहे, ट्रैक्टर वाला जात रे कहे ट्रैक्टर वाले अरे 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 क्या है कहे ट्रैक्टर वाले आपको खेत जोतना है। यही हमारा खेत है, तुमको जोतना है। भाई अच्छा कहाँ भैया पहले जोताई कहे अरे पहले जोतिए तो फिर आप पैसा लेंगे। तलैकिया कहे मीठा मीठा बोल के तू मुझको फंसाया, फार नहीं अंदर ले तुमको धंसाया, मीठा मीठा बोल के तू मुझको फंसाया, फार नहीं अंदर ले तुमको घुसाया, खेत मेरा जोता है कैसा, खेत मेरा जोता है कैसा, जोताई नहीं दूंगी एक पैसा। और ये परमादरणीय परम श्रद्धेय आंबड़े भैया प्रदीप पटेल जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 33 सोराव प्रथम भावापुर की धरती से 51 रुपए देके सम्मान करते हैं आंबड़े भैया कुर्सेश्वर मिश्र सब सकल पंच को नमस्कार बा। लेकिन पैसा नहीं दिहस लड़कबा कहा का मीठा मीठा बोल के फसाना है जरूरी, मीठा मीठा बोल के फसाना है जरूरी, जोताई नहीं दोगी तो समझो मजबूरी, अच्छा ये मर्दवा का नाम देखे। मीठा मीठा बोल के फसाना है जरूरी, खेतों में जोतना है यही मजबूरी, अरे जोताई नहीं देबू एक पैसा, जोताई नहीं देबू एक पैसा, त घुसी जाही यादव जी का भैंसा। छोटा सी बिरहा ज्यादा समय ना ले, बाँ मार सब स्वर दे क्या बा अभी स्टाफ बोला ना। अभी फिलहाल में हमारे कृष्ण कुमार रत्नाकर जी हमारे कवियों का स्वागत सम्मान किए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सचिन कवि, हमारे कमल कवि और पिता तुल्य गुरु तुल्य के रूप में हमारे राम सूरत दीवाना गुरु जी, जो कि इनके द्वारा बड़ा ही मान सम्मान मिलता है। आप लोग खड़े हो जाइए, हम भी थोड़ा सम्मान कर लें, आशीर्वाद ले लें। त्रिमूर्ति यहाँ
कभी जोर होगा बढ़िया ले है। अरे यार विकास दे कैसे घरवा कर गए यार तू घरवान का मामा कर बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ऐसे ऐसे गुरु ऐसे ऐसे कवियों का दर्शन होता है। जोरदार ताली आप लोग बजा दी। आप लोग जब हम माला दे रहे थे माले अर्पण कर रहे थे आप लोग ताली नहीं बजाएंगे क्या बात है। जन्म मना बजे अगला जन्म घूम घूम बजे राजा एक हाथ है किया है जन्म में ना बजे तो अगले जन्म में हाई वाला बजे है नहीं ऐसा न करा वो लोग बड़ा तकलीफ सह थी तकलीफ ना बहुत नोच ले थी। आइए मर सब सम्मानित हमारी छोटी बहन सोनाक्षी देवी प्रजापति 21 रुपए दे की समान करती हैं आशीर्वाद की कामना एक समय सब सकल पंच कर नमस्कार बा कर देंगे धरती गगन अरे अपना झुकेगा ये अपना तिरंगा अरे फेंक सरों की चढ़ा देंगे हम अरे बहा कर रहेंगे आजादी का गंगा। खून से लाल कर देंगे धरती गगन अब ना कभी झुकेगा ये अपना तिरंगा। हमारे
देश के नौजवान की गाथा महोत्सव गजल की भाव में कहना है क्या वही गजलिया कृष्ण कुमार रत्नाकर जी गाए थे कहना बा कहा बे में तेरा जलवा कौसी में नजारा है संकेत करते हैं क्या हे सर बबर नाहर आजादी के दीवाने यही से कहानी की शुरुआत बा केकर है कहवा बा कैसन बा कहना बा का जौहरी में कहना भैया क्या बात है आई काट लाठी भारत की देख की हालत जब पीर बन गए बागी चलनी की अब गरिमा को कोई कैसे करेगा दागी करेंगे कभी सलामी तोड़ेंगे जुल्म की लाठी तोड़ेंगे अब शीशम से नारी अब एक एकता अब लड़ेंगे जुल्म शीशम से हरी और एक अब एकता यार पीरों की दम का करवैया बा तख्ता तोरैया बा तख्ता नहीं सोचा था हुलम निहिरो निहिरो जई हैं कहानी की समझ ला भारत की देखी हालत जब वीर बन गए बागी अरे बा अब जननी की गरिमा को कोई कैसे करेगा दागी कहानी की समझा कहानी कैसन बा की करबा कहवा
की बा 13 अप्रैल सन 1919 को जलिया वाले बाग में 20,000 क्रांतिकारियों का मेला लगा था। 13 अप्रैल सन 1919 जलिया वाले बाग में 20,000 का क्रांतिकारियों का मेला लगा था। ए बाबू, ए भैया, ए पंचो, उजलिया वाले बाग में एक छोटा से वहां पर चर्चा हुई थी। चर्चा वहां पर कि हमारे देश में इतना उत्पात हो रहा है, ये गुलामी कब तक हम सहेंगे, आजादी हमको कब मिलेगी। बड़ा चारों ओर से चर्चा है, लेकिन ए बाबू, जब जलिया वाले बाग में बड़ा शान से, मान से, मर्यादा से चर्चाएं कर रहे थे कि हम इस कैसे हम इस गुलामी से मुक्त होंगे, घटना घटती है बाबू। उसी समय, उसी दौरान पापी शैतान जनरल डायर उसी जलिया वाले बाग में 18 मिनट लगातार गोली चलवा दिया, तर 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 गोली चलवा दिया। जलिया वाले बाग में क्रांतिकारियों की कितनी की मौत हो गई, 2000 से ज्यादा मौत हो गई है बाबू, कितने घायल हो गए, कितने बड़ी मट्टी जली रही भाई। उसी भीड़ में अपने पिता के साथ 12-13 वर्ष की एक छोटा सी बच्चा जेके नाम उधम सिंह बा, क्या बात है, जेके नाम उधम सिंह, जिस समय गोली तर 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 चली थी जलिया वाले बाग में, गौर करिएगा, उधम सिंह के पिताजी उधम सिंह को पकड़ के बैठ गए और तर 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 गोली को खा गए, लेकिन उधम सिंह पे कोई खरोंच तक, कोई आंच तक नहीं आई, मर गए। और कहने लगे, उधम सिंह बेटा, ये पापी शैतान जनरल डायर की, हमारे क्रांतिकारियों में 2000 से ज्यादा कितने मर गए, घायल हो गए, लेकिन उनका बदला तुम जरूर लेना। 12-13 बरिस की उम्र बा उधम सिंह के, ये बाबू, ये भैया, बड़ा छोटा क्रांतिकारी बड़ा शौक में पड़ गया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पिताजी, जब तक मैं जनरल डायर शैतान को मारूंगा नहीं, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। आग धकधकने लगा, मार सब गीत बा कैसन, आप बड़े भैया जय माता दी ऑटो सेंटर प्रोपराइटर, आप बड़े भैया गुलाब मिस्त्री, 51 रुपए दे के सम्मान कुर्ती ही कहना बा मर सब। कोनो दुलहिन की पिया परदेश में और दुलहिन बड़ा बेताब, हाय कहने लगी क्यों रे, कब का परदेश गए, लेकिन न फूल न चिट्ठी न चौपाटी, किस्मत हमार है मर्दा, कहना बा कैसे मर सब। पिया परदेसिया न भावे जाना या चलिया।
इतना बरिश की उम्र बा उधम सिंह के, बदला के आंख धधक रहा है कि जहां मिलेगा जनरल डायर शैतान में इसको मार दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता है, धीरे धीरे बीतल कुछ साल के समय या छोड़ के पंजाब उधम गई ले बम्बैया। अरे घूमते घूमते आए सागर के किनरवा, अरे खाटल पाए को घटा नवा करबई जनरल डायर के खुनावा। घूमत घूमत सागर के किनारे आए, सागर में बहुत सारी नाव चल रही थी, बड़ी बड़ी छोटी छोटी। नाव में एक लड़की बैठी थी जिसका नाम रेखा है। अरे वाह, जिसका नाम रेखा है। अब वो नाव उसी समुंदर में डूबने लगी तो उधम सिंह को देखा नहीं गया। उधम सिंह कहने लगी, अरे वाह, मैं किस संकट में पड़ गया। एक तरफ मेरे पिताजी का वादा है कि मैं जब तक जनरल डायर शैतान को मारूंगा नहीं, तब तक मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरे जीवन का अंतिम हो जाए दिन। और उधम सिंह इतना सोचते हैं कि मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने कोई इंसान मर जाए, नाव डूब रही है। लेकिन मां सब गीत बा कहना का बा, कोनो दुलहिन अपने सैया से कहे तनी के लैला हो। अरे लैला पलमुआ लैला, तनी के लैला हो पलमुआ हमके को, तनी के लैला हो पलमुआ। लेकिन कवि जी ने हमारे लिखे है कि उस समय जब नाव डूबती है, कहना काबा डूबल धार बीचे, अरे डूबल डूबल धार, डूबल धार बीचे रे थके नवारी। जब उस समय नाव डूबते हुए देखे, उसी समय छलांग मार के उधम सिंह समुद्र में कूद जाते ही। जब समुद्र में कूद जाते हैं उधम सिंह, तैरते तैरते जाते हैं, जितने लोग नाव में डूबे थे सभी लोगों को बचाते हैं। उसी समय एक रेखा नाम की लड़की है बाबू, ओ बड़े सेठ की बेटी थी, धनपत राव सेठ की बेटी थी, बड़े इंसान की बेटी थी रेखा। जिस समय जख्मी में जान डाल के उन लोगों को बचाए, रेखा जब उधम सिंह को देखती है, देखती ही रह जाती है। अरे बा, दोनों काम गड़बड़ हो गया। उसी समय रेखा जी कहने लगी, आपका नाम क्या है? उधम सिंह ने बताया कि वो लड़की, मेरा नाम उधम सिंह है, क्रांतिकारी, और मैं बदले की आग में धधक रहा हूँ। रेखा पूछती, अरे 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 क्या बात है, सही सही बताइए बाबा। रेखा कहती है, पहले आप मेरी बात सुने, आप पे मुझे प्रेम आ गया है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। गीत बा मार सब कहना का बा, कोनो लड़की मेला देखेगी जिद कह दी है तो लईकवा कहे नया नहर या भिकनिया बैठू
कनिया बाड़ मेला देखई के जिद कहर तारू हमरा के ये डलले बाड़ू काहे तू झमेला में झमेला में गोरिया हेरा जाइबू मई हर के मेला में उस समय उधम सिंह से कहती है रेखा तोहरा बिना हम जी ना पाई जिंदगी तोहरे साथ बिताई तोहरा बिना जी न पाई जिंदगी तोहरे साथे बिताई साथवा न छोड़बई तोहर सुनाए ये राजा जी अपने जीवन के साथी हमरा के बना ले जी रेखा कि ये उधम सिंह आप पे मुझे प्रेम आ गया मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ आप मुझे शादी कर लीजिए इतनी जब बात उधम सिंह सुनते हैं उसी समय ललकार की कहने लगे ओए दुष्ट लड़की मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला मैं कसम खाया हूँ प्रतिज्ञा किया हूँ जिस समय मैं अपने क्रांतिकारियों को बदला नहीं ले लूं तब तक मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। रेखा देवी पूछने लगी कि बताइए किस कारण से आप मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर रही हैं? बताते हमारे सब गीत बाका। गीत पे ध्यान रखिएगा कैसे किसी के काम जावाए किसी के काम जावाए उसे इंसान कहते कवि जी ने कितनी बढ़िया लाइन लिखी है उधम सिंह कहते हैं क्या वतन की सरजमी परिसर वतन की सरजमी परिसर कटाना हक हमारा है बताते हैं रेखा जी कहने लगी ओ मुझे माफ कर दीजिए मुझे पता नहीं था कोई भी साथ दे या ना दे लेकिन मैं आपसे कसम खा के कहती हूँ कि मैं आपके साथ जरूर दूंगी। उस समय रेखा देवी गई अपने पिताजी धनपत राव सेठ से कहती है कि पिताजी लंदन के लिए दो टिकट कटवा दीजिए
धनपत राव सेठ जी से उधम सिंह से मिलवाती है और सारे परिचय को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, हमें लंदन में जाना है। लंदन? हाँ वही लंदन जहाँ गांधी जी फांसी दे जाते रहे। हाँ वही लंदन। चुम्मा ले लड़की चुम्मा ले भीमराव छोड़ा रहे हैं। जाते हैं। सही बात, मरी हुई लड़की थी वो, बच गए यही बात से वो बच गए। हाँ नहीं तो कितना भी बचते ना, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए वो मर मिटी, कोई कुछ भी किया हो। उसी समय लंदन जाने के लिए धनपत राव सेठ जी दो टिकट कटवा दिए और एक उधम सिंह की, और ये 51 रुपए दे के सम्मान करते हैं। का करवा गुड़ ही जलेबिया भी चाय पिया मिलवा में कौनो धरती पे कौनो चीज कैसन वहाँ कितना है के गाना ना बना हुआ। गाना चला रहे बानी हम ना हाइले या जिससे हम पूछे बानी हम ना हाइले या जिससे हम पूछे अवतार सैया हमर टेम पूछे बानी हम ना हाइले या जिससे हम पूछे अवतार सैया हमर टेम पूछे। तब ले एकवा सिंगर कहे गईया बनाई गईले पगहा में अवतार सैया मोर गैया बनाए गेले पगहा से आवतर संयम और गदहा से तीसरा वाला सिंगर खोज के गाए का कहे बेग भरल बाटे पैसा से आवतर संयम और पैसा से ओका सर सवारी नहीं मिली भैंसा नहीं भैंसा ही मिली आ या मदेव भैंसा की सवारी करत थी और ये बड़े भैया ब्रिजलाल यादव अब्दालपुर की धरती से 51 रुपए दे के सम्मान करते हैं। चौथा वाला सिंगर का भोरे भोरे घटना घट गई ले राजा जी का टेम्पू पलट गई ले का करवे अब ये कबा सिंगर गाइस कैसन पीसा भाई मसाला जम के लोढ़ा से अमर संयम और घोड़ा तबले अमर कवि जी को है का पानी भरल बटे मटका में क्या कर संयम और झटका में मटका बिना झटका कौन कवि कवियों की खोज है। ऐसा ऐसा गाना बा का करबो भैया मंडी में नींबू खरीद रहे हैं। अच्छा लेकिन उसी समय लंदन के लिए गौर करिए अभी रहा में बस 10 मिनट का समय बा। लंदन में गए और रेखा उधम सिंह तेरी के भाव में कहना मर सब कुर्बानी मान्य भारत देशवा अरे कुर्बान हो कुर्बानी मान्य भारत देशवा गर्जा वीर बघेला शेर हिंद सैलानी हो सैलानी जिया क्या बात है। उसी समय लंदन में जाते हैं तो वहां पर होता क्या हमारे सब पापड़ के भाव में कहना है क्या अरे पहुंचे लंदन के दरमयान जान से मारूंगा अरे पहुंचे लंदन के दरमयान जान से मारूंगा अरे जहां मिलेगा गायर शैतान जान से मारूंगा
जन्म सदेलाल जी पटेल रामापुर की धरती से 21 रुपया दे की सम्मान करते ईश्वर में सबसे कल्पन जी के नमस्कार बा। वहां पे गए उधम सिंह और रेखा लंदन में फोटोग्राफर बन के लोगों का तस्वीर खींच रहे थे, तस्वीर खींच रहे थे। उसी समय उन लोगों के मन में यही था कि हम यही काम करेंगे, किसी ना किसी दिन एक दिन तो मिलेगा वो शैतान जनरल डायर। ए बाबू कुछ दिन की बीतत बा दिन, एक दिन उधम सिंह फोटो खींच रहे हैं लोगों का मेले में जाके, कई जगह जहां पर मंदिरों में जाके। एक दिन खबर आई पत्रकार में छप कर, पत्रकार जो था का आज की ताजी खबर, आज की ताजी खबर, आज की ताजी खबर। उसी समय ए बाबू रेखा पेपर को पढ़ती है, लिखा था कि किसी कास्टन हाल में, किसी कास्टन हाल में जनरल डायर मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर आ रहा है। और ये परमादरणीय परम सम्मानित बड़े भैया प्रदीप पटेल जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 33 सुराव प्रथम भावापुर की धरती से 51 रुपए दे की सम्मान करते यहाँ बड़े भैया के बहुत बहुत स्वागत बा, अभिनंदन बा, ईश्वर में सबसे कल पंच के नमस्कार बा। किसी कास्टन हाल में आ रहा है मुख्य अतिथि के रूप में। रेखा तुरंत जाके उधम सिंह को बताती है, अरे सुनते ही मां नाग बबूला हो गए। देखते मान की अब तो मेरा, मेरे पिताजी का, क्रांतिकारियों का सपना पूरा होगा, मैं अब उससे बदला ले लूंगा। आज बाबू उसी समय कैमरा वैमरा फेंक के और जहां जहां उनके पास गन राइफल छुरी कटार एकदम खोस खांस के चल दिए। कैसर मार सब आल्हा के भाव में कहना बा मार सब कैसे। भारत माता की जय बोली के सपुतवा बाबू, समय उधम सिंह कास्टन हाल में जाते हैं और सामने से लोग कहते हैं कि पीछे से वार नहीं, मैं सामने से वार करता हूं। गाय और इतनी बड़ी बड़ी वहां पर हस्तियां बैठी थी, पापी अंग्रेज गए सामने खड़े होकर तड़तड़ तड़तड़ गोली चला दी जाके जनरल डायर के सीने में लगा बाबू। उसी समय जनरल डायर धरती पे बाहर आ गए और हाहाकार मच गई, क्या हो गया क्या हो गया। और हंसते हंसते उधम सिंह एकदम कहने लगी भारत माँ की जय, वंदे मातरम भारत माँ की जय। उसी समय उधम सिंह गिरफ्तार होते हैं। मार सब बदल क्या वहा कैसे होके गिरफ्तार वीर गईल जलिया में, चलल बा मुकदमा केस बनल बरिया, फैसला अदालत के आयल कुछ दिना में, Thank you.
झांसी के साजा तब सुनावले गद्दा। उधम सिंह को जेल हुआ, जेल में ले गए उनको, बंद किए। कुछ दिन के बाद अदालत से फैसला आता है कि उधम सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया जाए, कि भरे सभा में जनरल डायर को ये कत्ल किए हैं। और हमारे देश में बहुत ऐसे हैं, आजाद सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सरदार सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तमाम लोग ऐसे हैं, लेकिन कम उम्र में सबसे छोटा जिसका नाम उधम सिंह, अपने देश लंदन में जाके प्रतिज्ञा पूर्ण किया और कम उम्र में आज फांसी पे चढ़ गई। अदालत से आता है कि फांसी पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन ए बाबू वो दिन जब यावत है तो गद्दारों ने, जो जल्लादों ने थे जो फांसी का फंदा खींचते थे गले में ना कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, उधम सिंह ठट्ठा मार के हंसने लगा है, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, मेरा एक अभिलाषा है कि एक रेखा नाम की लड़की है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, अंतिम इच्छा मेरी वही है। और रहती है, उनको खबर दिया, रेखा देवी आती है और जाके पैर पकड़ के रोने लगती है कि उधम सिंह मुझे गर्व है कि मैं सुहागन बन के नहीं जी सकी, लेकिन मुझे आप पे गर्व है कि आपकी जैसा वीर इस दुनिया में फिर से आए, और मुझे गर्व है कि मैं विधवा बन के भी जी सकती हूँ। हाथ जोड़ के उधम सिंह कहने लगी कि रेखा जी मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहने की, बोलो क्या बात है स्वामी। कहने लगे कि मेरी यही इच्छा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो इन जल्लादों के हाथों मेरी लाश को नहीं जानी चाहिए, और आप ले जाइए, आप ले जाइएगा अपने हिंदुस्तान में, वहीं पर मेरे लाश को कफन दफन करना। इतने बात कहकर जल्लादों को डांट दिए और फांसी का फंदा चढ़ा के अपने हाथों से डोरी पकड़ते हैं। और होता क्या, हमारे सब आखिरी भाव में अरे देख के कुर्बानी है चमन वतन का सींचे बीरवा, अरे देख के कुर्बानी है चमन वतन का सींचे बीरवा, अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींचे बीरवा। कौन करिए ये भैया, ये बाबू, ये पंचो। उसी समय उधम सिंह फांसी का फंदा अपने गले में डालकर अपने हाथों से डोरी को खींचकर अपना प्राण गंवा देती है। लेकिन कहा ना बा, धन धन वीर हो धन तोरी बिरताई, अरे लंदन में जाके लिया बदला चुकाई। अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींचे बिरा, तोहरी वीरताई लंदन में जाके लिया बदला चुकाई, बदला चुका लिया उधम सिंह। बड़े शौक से
फांसी के फंदे पर चढ़ गए और जनरल डायर शैतान पापी मारा गया। लास्ट में गुरु घराने का पर से मर सब का नाय का स्वर्ग गए गुरु पर धारी जगकर्ता गुणगान। अरे कथन किए कमल सिंह यादव शारद का वरदान। अरे कुर्बानी मांगे भारती देशवा, अरे कुर्बानी मांगे भारती देशवा, सोना कमल कवि जी रत हां कई भवानी। कुर्बानी मांगे भारती देशवा, इम्तहान लेती है भड़की मांगे मोबाइल बड़की। सुना मेरे देश का लड़का मेरे देश का लड़का बाप से भड़का जा सर का ससुरारी। मेरे देश का लड़का हम गावत थे मेरे देश के लड़का बाप से भड़का जा सरका ससुरारी। ये कहत हैं मेरे देश के भौजी बड़ी मन मौजी घर में कहीं नहीं लगाऊ जी। हमारे बिरादरी की बेइज्जती कर छोड़ा हम। सुना मेरे देश का पत्था मेरे देश का पत्था पहिन के जत्था झोंक रहा है भट्टा। मेरे देश का पत्था मेरे देश का पट्ठा पहन की चड्ढा झोंक रहा है भट्ठा।